ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से रैली शुरू करके भले ही बीजेपी को कड़ी शिकस्त देने की हुंकार भरी हो, लेकिन हकीकत तो उनको भी मालूम है ही, और जमीनी हकीकत से वाकिफ होते हुए भी अखिलेश यादव ने अपना चुनाव प्रचार का अभियान काफी देर से शुरू किया है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होना है, यानी अब इन 8 सीटों पर मतदान के लिए महज 1 सप्ताह का ही समय बचा है। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया, लेकिन जानकारों की माने तो अखिलेश यादव एक बार फिर मैदान में बीजेपी से पिछड़ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने 12 अप्रैल से सपा के कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री समेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पश्चिमी यूपी में जनसंवाद और रैलियां कर चुके हैं। एक तरफ इसी माइक्रो मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी यूपी में 80 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं अखिलेश यादव पहले चरण के मतदान से महज 1 वीक पहले मैदान में उतरे। जानकारों की माने तो चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बीजेपी नहीं उनके करीबियों ने बढ़ा दी है। बीजेपी से मुकाबले की चुनौती तो अपनी जगह है ही, अखिलेश यादव के सामने नया चैलेंज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी शामिल है, और ये सब रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में होने लगे तो मुश्किल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो उनके खुद के करीबी बन गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तो अखिलेश पर इतना दबाव बना दिया है कि उन्हें खुद बार बार कैंडिडेट्स बदलने पड़ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि छोटे नेताओं की बात तो सुलझाना भी आसान होता है, लेकिन सीनियर नेता नाराज हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। उनमें भी अगर नेता आजम खान, शिवपाल यादव और एसटी हसन जैसे हों। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सपा का भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी यूपी में कोई खास हलचल देखने को नहीं मिल रही। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब तक पश्चिमी यूपी से गायब दिख रहे हैं। इस स्थिति में ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने उन खास सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिन पर उन्हें जीतने की उम्मीद है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल 2019 में भी समाजवादी पार्टी को 2014 की तरह 5 लोकसभा सीटें ही मिली थीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका था उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव का कन्नौज सीट से हार जाना, जहां से पहली बार से निर्विरोध चुने जाने के बाद लोकसभा पहुंची थी। बीते दिनों लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसदों के नंबर तो बराबर रहे हैं, लेकिन सीटें बदल गई हैं और अब तो कुल जमा 3 ही रह गई हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव बीजेपी के हाथों समाजवादी पार्टी के हार जाने के बाद बीजेपी की नज़र तो 2014 से ही मुलायम सिंह यादव और गांधी परिवार की सीटों पर लग गई थी, और 2019 में एक एक विकेट चटका भी लिए थे। कन्नौज में डिंपल यादव की तरह अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। अब तो रायबरेली को भी सोनिया गांधी अलविदा कह चुकी हैं। मौजूदा हालात में अगर अखिलेश यादव परिवार का गढ़ माने जाने वाली और उसके बाद 2019 की जीती हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट की संभावना तो है ही। वैसे भी तोप के लाइसेंस की कोशिश करने पर पिस्टल को बहुत हद तक गारंटी तो होती ही है। कन्नौज सीट अखिलेश यादव और डिंपल दोनों के लिए ही लकी साबित हुआ है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों का पहला चुनाव मैदान कन्नौज ही रहा है, और 2012 के उपचुनाव में तो डिंपल यादव निर्विरोध ही लोकसभा पहुंच गई थी। दावों की माने तो अखिलेश यादव को लगता है कि उन सीटों पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो, लेकिन ऐसे में 80 सीटों पर जो उम्मीदवार महागठबंधन की वजह से मैदान में हैं, उनके लिए एकला चोलो रे की स्थिति पैदा हो गई है, यानी ग्राउंड पर खुद मेहनत करो और जीतो। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।